जर्नलिज्म के लिए जब भी जो भी नया मीडियम आया है उसे हुकूमतों ने हमेशा एज अ थ्रेट परसीव किया है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है आजकल जर्नलिस्ट के पास जिसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हमारे पुराने मीडियम्स के मुकाबले में बहुत कम हैं, लाइक प्रिंट मीडियम और ब्रॉडकास्ट मीडियम के मुकाबले में सोशल मीडिया के ऊपर उतनी लिमिटेशंस नहीं हैं। यही वजह है शायद कि सोशल मीडिया पर जो होने वाली जर्नलिस्टिक डिस्कशन है उसके ऊपर हुकूमतें, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड जो रिग्रेसिव हुकूमतें हैं उनका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडियम्स इटसेल्फ या डिजिटल मीडियम्स देमसेल्फ एक वजह हैं थ्रेट की, बल्कि उनकी जो पावर है और उनको जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो रिग्रेसिव और डिक्टेटोरियल जो स्टेट और गवर्नेंस अप्रोचेस होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेटन करती हैं, और शायद इसी वजह से स्टेट रिस्पॉन्स के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट कोई भी डिसेंट हो रहा हो उनके रिस्पॉन्स में भी उसी तरह शिद्दत आती जाती है। पाकिस्तान में भी आई थिंक हम यही देख रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, उसकी आउटरीच बढ़ रही है, और जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रही है इसलिए जो थ्रेट का एलिमेंट है उन लोगों के लिए जिनको डिसेंट सुनने की और अपोजिशन सुनने की आदत नहीं है वो परसीव्ड थ्रेट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इसी वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी देख रहे हैं। मीडिया मैटर्स कई सालों से अपने कंसेप्शन से ही मीडिया मैटर्स जर्नलिस्ट सेफ्टी के लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन के ऊपर एडवोकेसी करता रहा है, और अब सेनेट की सब कमेटी ने जब इस बिल पे काम करना शुरू किया है तो हमारी रिकमेंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल रिकमेंडेशंस में एक ये बहुत अहम रिकमेंडेशन शामिल है कि फिज़िकल अटैक्स के अलावा जो डिजिटल अटैक्स हैं जर्नलिस्ट पे, भले वो हेट स्पीच के तरीके से हो रही हो या एक स्ट्रक्चर्ड कैंपेन चलाई जा रही हो, जर्नलिस्ट का डेटा लीक किया जा रहा हो, उनकी पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जा रहा हो, जो इस तरह की डिजिटल कैंपेनिंग है जिनसे जर्नलिस्ट की लाइफ, प्राइवेसी और सिक्योरिटी अंडर थ्रेट आती है, तो उनको इस स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म जो नई लेजिस्लेशन बन रही है उसके अंदर जुर्म शुमार किया जाना चाहिए। हमारी बेसिक रिकमेंडेशन यही है, और इसके अलावा जो बेसिक डिजिटल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उनसे जो निपटने के तरीक़े हैं उनके ऊपर प्रॉपर कंसिडरेशन इस बिल के अंदर लाजमी होनी चाहिए।